हेलो मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप सबको बता दें कि आज जो है वो टारगेट बैच 2023 की दूसरी क्लासेस है। मतलब ये पता दें कि जो बच्चे सबसे पहली वीडियो नहीं देखे हैं, जा करके वहाँ से देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दिया गया है। तो ये बैच है जो बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये 10th क्लास के बिहार बोर्ड में या यूपी बोर्ड हो, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको हमें ये बात बताएंगे कि कल हमने 10 क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो 1 है वास्तविक संख्या, इसे करा चुके हैं। और आज जो हम आपका 10 से आगे 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो 10 क्वेश्चन जो लोग नहीं देखें, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। और इसमें इस बैच में हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। लगभग 95% आपके क्वेश्चन एग्जाम से टच कराएंगे। तो जरा सब ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये कह रहा है कि एक अशून्य परी में, क्या एक अशून्य परिमेय और एक परिमेय संख्या। ओके, एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, ये दोनों को अगर हम गुणनफल करेंगे तो वो क्या होगा, वो संख्या क्या होगा। ओके, तो आपको बता दे, कल बताए भी थे कि अगर आपका एक परिमेय संख्या हो या एक आपका अपरिमेय संख्या हो, आप गुना करें या जोड़ करें या घटाओ करें, कुछ भी कीजिएगा, तो यहां पे आपका क्या होगा, ये आपका हमेशा के हमेशा जब भी होगा तो आपका क्या होगा, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, हमेशा आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर हुआ, क्लियर, ये 11 नंबर क्लियर हो गया क्या, अब समझिएगा। देखिए कुछ, हाँ ये क्लियर। अब देखिए जरा सर क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, किसी को दिक्कत, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को कह रहा 45 और 60 का मास, ये तो लगभग सबको आता है। तो जिन लोगों को, जिन बच्चों को ये आता है, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिए कि ये आपसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। ये क्वेश्चन तो आपके देखिए 5-6 क्लास के बच्चे भी बना सकते हैं कि 45 और 60 का मास क्या होगा। ये कहिए कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इतना ईजी एकदम आ जाएगा, एकदम पूछा भी गया इस तरह के क्वेश्चन। ओके, तो कुछ नहीं करना, आपको 45 का और 60 का मास याद करना है। तो बताइए कि कौन सा सबसे, मसल का मतलब क्या होता है, कि सबसे वो बड़ी संख्या जिससे ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, कट जाए। नहीं जी, तो आप देखिए 45 का और 60 का आप मसल निकालेगा तो कुछ नहीं होगा। देखिए 45 का और 60 का मसल निकालेगा तो ये दोनों के दोनों किसे, हम निकाल के दिखा देंगे आपको। ये देखिए, देखिए इधर देखिए, ये आपका 3 से कटेगा, ये कितना बार में, 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में। अगर आप 60 को कटेगा तो ये भी आपका 3 से कटेगा कितने बार में, 20 बार में। ये आपका 2 से कटेगा 10 बार में और ये 2 से कटेगा 5 बार में। तो कॉमन डिजिट खोजते कि नहीं खोजते हैं, तो इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 5, इसमें भी 1 5, और कोई है क्या, नहीं ना। तो ये 3 और 1 5 यही दोनों मिलाना जी, तब बचते 15। आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया क्या। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए पाई बटा 3 है, ये क्या है, ये आपका परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक संख्या है, ये क्या है, ये कौन सी संख्या है। पाई बटा 3 जब भी देगा आपको, जब भी देगा पाई बटा 3, पाई बाई 9 कुछ भी देगा या फिर पाई देगा, तो यू समझेगा कि ये आपका अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय। लेकिन हाँ, अगर आपसे पाई का मान बोल देगा, पाई का मान क्या है, मतलब पाई के मान 22/7 की बात कर रहा है, तो ये आपका परिमेय हो जाएगा। बस केवल इतना ही बोल देगा, तो पाई का मान क्या होता है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्या होगा, ये आपका उसमें पाई का मान बोल देगा तो आपका परिमेय हो जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे पाई बटा जो 3 है वो क्या, आपका अपरिमेय संख्या। क्लियर, आगे हम लोग चलेंगे। आगे देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एफ एक्स, ध्यान समझिएगा, यदि एफ एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस में 2x + 2, तो एफ 1 है यहाँ पे एक्स के, तो मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए एफ, ये x, तो x की जगह क्या दिया है आपका, 1 दिया है। मतलब ये कि जहां जहां आपका x है वहां आप एक मान रख करके ट्राई कीजिए और इसका सॉल्यूशन आपका क्या आ रहा है, तो हम आपके सामने करके दिखा दें क्या। देखिए हम आपको इस सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं आपको, ये ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, आप भी सॉल्यूशन करके इसका कॉमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। ओके चलिए, तो यहां पर क्या दे रखा है देखिएगा, कल की जो क्लासेस बच्चे नहीं देखे होंगे ना, उसको जा करके देख लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है। ओके, ये देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, एफ वन, ऐसे वन दे रहा ना एक्स की जगह पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रख रहा है एफ एक्स इजकल टू क्या, एक्स क्यूब माइनस में 5x² प्लस में 2x + 2,
यही दिया ना जी, और एक्स की जगह कौन आ गया, एक आ गया। तो कुछ नहीं करना, जहां इसमें एक्स है हमको वहां पे वन वैल्यू रखना है। तो देखिएगा यहां पर एक्स का क्यूब, तो यहां एक्स का वैल्यू वन, तो वन का क्यूब। माइनस के लिए माइनस रख दिया हमने, फाइव एक्स स्क्वायर है, फाइव के लिए फाइव, एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है, मतलब क्या कि यहाँ पे वन का स्क्वायर, क्लियर। प्लस के लिए प्लस, टू है तो टू, एक्स है ना जी, तो यहाँ पे वन रख देंगे, एक्स का वैल्यू, और यहाँ पर आपका हो गया प्लस टू, क्लियर हो गया। वन का क्यूब आपका वन आएगा, माइनस फाइव के लिए फाइव, वन का स्क्वायर आपका वन ही आएगा, प्लस में टू वन माने दो, एक कम दो, और प्लस में आपका दो, क्लियर। अब समझिए यहाँ पर एक माइनस पाँच एकम पाँच, दो दो आपका क्या हो गया चार, तो ये चार और ये एक दोनों जुड़ जाएगा, आपका पाँच हो गया, और ये माइनस में पाँच आपका क्या आ गया, ये जीरो आ गया। कहीं जीरो दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसका वैल्यू क्या हो गया जीरो होगा, क्लियर हो गया क्या, समझ में आया आपको। तो देखिए आज 14 नंबर तक क्वेश्चन किए, अभी हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, ओके। जैसा ध्यान से क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे क्या कह रहा है, क्लियर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हम दिखा रहे हैं, पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या, पंद्रह नंबर क्वेश्चन आएगा आपका, देखिए 0.7 के ऊपर रेकरिंग, 0.7 के ऊपर रेकरिंग है, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है 7/9, ऑप्शन बी आपका दिया है 7/90, सी ऑप्शन दिया आपका 7/99, और डी आपका ऑप्शन दिया है वो 7/10, ओके। देखिए आपसे कह रहा है क्या कि 15 नंबर क्वेश्चन में कि इसका वैल्यू क्या है, इसका मान क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। तो देखिएगा दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर रेकरिंग दे रखा है, नीचे उसका हर में उतना ही 9 हो जाता है, समझ पाए कि नहीं, उतना ही क्या हो जाता है 9 हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, क्योंकि एक अंक पे 12 है ना, तो नीचे एक ही 9, अगर दो अंक यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे 12 होता तो दो नीचे 9 लिखा रहता, ओके ये आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आंसर, 7/9 होगा, 7/9। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 16 हम लोग देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका दे दिया 8, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन 8^0 × 2^0, अगर आपका ऐसे दिक्कत कर रखे थोड़ा सा नीचे लिख दे, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर अगर 16 देखेंगे हम लोग, तो आपका दे रखा है देखिए क्या, 8^0 × 2^0, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का जो वैल्यू है वो दिया आपका 0, ऑप्शन जो बी का वैल्यू है वो 1 दिया, ऑप्शन जो सी का वैल्यू है वो आपका 2 दे दिया, और ऑप्शन डी का जो वैल्यू वो -1 दिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बोलिए क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कुछ नहीं, आप यूँ समझिएगा कि किसी भी अंक के ऊपर अगर 0 होता है, पावर अगर 0 होगा, उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। तो यहाँ पर 8 का वैल्यू 0 है, मतलब इसका पावर क्या, एक्स का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। यहाँ भी 2^0 है, तो ये इंटू के लिए इंटू, 2^0 इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो एक और एक गुना करने पे क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या, ये 16 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, क्लियर। 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लिया क्या, 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लिख दिया आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिए, और जितने सारे क्वेश्चन अगर आपसे बना है बन रहे हैं तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, ओके। चलिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि ए और बी, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि कल हम बताए थे, ओके। अभाज्य संख्या है तो जल्दी लिख के बताइए, तो ए और बी का लसा क्या होगा, ओके लसा क्या होगा, ऑप्शन ए में दे रखा आपका ए, ऑप्शन बी में दे रखा आपका बी, ओके, ऑप्शन सी में आपका ए बी, आपका क्या दिया है ए बी, और ऑप्शन डी में आपका क्या दे रखा है ए बटा में बी, ओके। समझिएगा जरा सा गौर से, ये कह रहा है कि अगर कोई अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या, यहाँ पे हालांकि दिया है ए
और एक दिया है बी। ओके, ए और बी जो है अभाज्य संख्या है, जो हो है तो ए और बी का लसा ज्ञात करना है। मतलब ये कि अभाज्य संख्या किसको किसको बोलते हैं जी, बताए थे ना कल, तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे जिसके केवल दो फैक्टर होंगे, जिसके केवल दो गुणनखंड होंगे, जो सिर्फ दो अंकों से कटेगा, दो ही अंक से, एक वो एक से कटेगा और दूसरा वो खुद से कटेगा। तो इस कंडीशन में इस डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ओके क्लियर, अब आपको पता हो गया। अब देखिए ए और बी दो गो ऐसा संख्या है अभाज्य संख्या है, तो कह रहा है इन दोनों का लसा निकालेंगे तो क्या होगा, लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं। आपको ए, आप ये ए हो गया और ये बी हो गया, दोनों का लसा निकालेगा तो आपका ए बी तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में नहीं आया तो आप दो को कोई भी अभाज्य संख्या लेके चेक कर लीजिए। मान लीजिए आपका अभाज्य संख्या एक दो हो गया, हुआ ना, और एक आपका मान लीजिए पाँच हो गया, इसका आप लघुत्तम निकालेगा, एलसीएम निकालेगा, क्या आएगा, ये किसी से कटेगा क्या, नहीं कटता है। तो दो गुना पाँच कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, गुना ही तो कर देना है ना जी, तो हम भी यहाँ पे गुना किए हैं ए और बी का, तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन नंबर आप 18 देखिएगा, कह रहा क्या 18 नंबर क्वेश्चन में, देखिए कह रहा क्या, निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, लीजिए कौन, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ओके, आप तो उतावले हो रहे होंगे कि भैया जल्दी से ऑप्शन दीजिए, क्योंकि हम कल परिमेय तो जान रहे थे कि क्या परिमेय है। ओके, परिमेय संख्या किसको कहते हैं हम तो जानते हैं। ओके, कौन परिमेय संख्या है, ऑप्शन आप लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपका है दो मानस रूप तीन। ओके, और आप देखिए आपका, और ऑप्शन नंबर बी जो आपका हो गया वो रूट हो गया पाँच, ऑप्शन नंबर सी जो हो गया आपका दो रूट तीन बटा तीन। ओके, रूट तीन, और ऑप्शन जो डी आपका हो गया ये रूट में छः हो गया। आपको पता है तो, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जरूर लिखिए। तो जरा सा बताइए तो इसके कौन सा है, निम्नलिखित में से देखिए कौन सा आपका परिमेय है, ये है कि ये है कि ये है, ये है, कौन है, बताइए जल्दी से, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए इसके बारे में कि कौन सा परिमेय संख्या है। आपको पता है तो, नहीं पता है तो भी लिखिए भैया कि मुझे नहीं पता है। ओके, तो कल आपको बताया था कि परिमेय संख्या वो संख्या होता है जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ओके क्लियर, और भी बहुत सारे कारण हैं परिमेय संख्याओं के। देखिए, और एक बात ये भी बोले थे कि जो अभाज्य संख्या होता है, जो भी आपका अभाज्य संख्या, जो भी आपका अभाज्य संख्या होगा, अगर इसको रूट में डाल दीजिए तो भी आपका ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो लेकिन हमसे परिमेय पूछ रहा है ना, तो परिमेय देखिए ये तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि हम अभी बताएं कि अगर एक आपका परिमेय एक अपरिमेय को घटाइएगा या गुना कीजिएगा जोड़िएगा तो आपका कभी भी परिमेय नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। रूट पाँच का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो ये भी आपका क्या है, ये अपरिमेय है। ओके, ये छः को देखिएगा, रूट छः का, इसका भी तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे अगर रूट तीन कट जाएगा तो सिर्फ आपका क्या बचेगा, दो बचेगा, और दो बचेगा तो दो क्या है आपका, परिमेय है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों कहा कि आपने तो अभी बोला है कि भैया परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में होता है, तो एक बात देखिए, तो ये आपका पी बटे क्यू के रूप में ये तो है ही, दो तो आपका हो गया नीचे, वन तो हर डिजिट के नीचे छुपा रहता है, तो ये आपका पी बटे क्यू के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए हाँ। क्लियर, समझ में आया क्या, चलिए ओके, अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इस बात को। ओके आगे चलिए, तो अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए थोड़ा सा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का कह रहा है, यदि ध्यान से देखिए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, यदि 65 तथा 117 ओके का मास का मास दिया है आपका 65 एम माइनस
170 ओके के रूप में है तो एम का मान क्या होगा, एम का मान क्या होगा। ओके ऑप्शन नंबर ले लीजिए आप लोग, ऑप्शन एक होगा या ऑप्शन नंबर बी आपका दे रहा है 2 होगा, सी कह रहा है आपका क्या 3 होगा, ऑप्शन आपका डी कह रहा है कि 4 होगा। दरअसल मुझे बताइएगा, यदि 65 का और 117 का मसा आपका दे दिया है कितना, तब 65 m माइनस में 117, तो इसमें m भैया क्या होगा, m का मान हमको ये आप बना करके इसको बताइए। ओके तो क्या हम आपको बना दें इसका सॉल्यूशन, ये एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है आपके लिए। ओके देखिए बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा डर रहे होंगे इस चीज़ को देख करके, कुछ नहीं। देखिए आपको क्या दे रखा है, 65 और किसका 117 ना, इसका मसा कितना दे रखा है 65 m माइनस 117, यही दिया है ना जी, यही दिया है। लेकिन ये आपका ओरिजिनल मसा इसका थोड़ी है, इसका ओरिजिनल मसा नहीं है ना, इसका ओरिजिनल मसा हम लोग निकालेंगे ना जी। अब चलिएगा तो जब निकालेंगे तो 165 का और 17 का मसा निकालिए, तो इससे भाग कीजिएगा 165 से 17 में, तो 165 से 17 में आप कीजिएगा तो 65 का पहाड़ा एक बार में आपका 65 आ गया क्या, इसमें से घटाइएगा तो आपका हो गया 2, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 5। ओके अब इस 65 को यहाँ उतारिएगा, ये हम भाग विधि से निकाल रहे हैं, तो 52 x 52 और आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 3 और ये आपका हो गया 1। ओके ये 13 बच गया, अब ये 52 यहाँ आएगा। ओके तो 13 × 54 क्लियर हो गया क्या, मतलब ये कि मसा इसका ये जो लास्ट में बचता है यही मसा कहलाता है ना जी, तो मसा क्या हो गया आपका 13। हम देखिए अब हम 65 का और 117 का मसा निकाले तो ओरिजिनल जो मसा हमारा आया वो कितना आया, तो 13 आया, कितना आया 13। और वो बुक में कह रहा है, ये बुक बोलते बोलते थोड़ा सा आदत हो गया, ये क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि नहीं इन दोनों का मसा इतना है लेकिन हमारा आया है इतना, तो इसका मतलब कि ये वाला डाटा दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 65 m माइनस 117 है बराबर में 13, ये भी मसा, ये भी मसा, किसका मसा, ये ही, ये उन दोनों का मसा और ये भी इन दोनों का मसा, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। अब चलिए इधर जो आपका 117 माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 65 m बराबर 13 और प्लस में 117। अब देखिए 65 m बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 130 आएगा, m के साथ 65 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो m बराबर आपका 130 बट्टा में 65 आएगा, 65 दुनी के 130, मतलब m का मान कितना गया 2 आ गया, तो 2 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, देखिए ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ क्या, कितने लोगों को ये बात पता था जरा सा कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो कितने लोगों से ये बना है ये बात जरा सा कमेंट बॉक्स में लिखिए, कितने लोग इस चीज़ को बनाए हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। ओके चलिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, तब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए, क्लियर हो गया क्या, आप इस देखिए इन सारी क्वेश्चनों को आप नोट्स पे मतलब अपनी कॉपी पे लिखते रहिए, समझे ना, और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ पाए क्या। चलिए आप जरा सा आगे चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या कि 2, 10 और 20 के लास और मसा का अनुपात होगा। ओके ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है 1:10, ऑप्शन बी में दिया है आपका 10:1। चलिए जिन लोगों को आता है वो इस क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिए, तो शुरू कीजिए जल्दी से और बना करके कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिए, तो जल्दी से कीजिए। चलिए ऑप्शन सी आपका है 4:3 और ऑप्शन डी है वो 11:1, जिन लोगों को आता है वो बनाना शुरू कर दीजिए। ओके आप उधर बनाइए और हम इधर बना रहे हैं। ओके जिन लोगों को नहीं आ रहा वो इधर गौर से देखेंगे, कह रहा क्या कि 2, 10 और 20 के लास और मसा का अनुपात, मतलब ये कि लास
और किसका ये मास का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले इसका हम लसा निकाले फिर इसका मसा निकाले। तो लसा निकालना है 2, 10 और 20 का। ओके देखिए, तो 2 1 2, 2 5 6, 10, 2 2 20 सही है। ओके अब चलिए 5 1 1, 2 सही है। तो देखिए इन दोनों को अब तो कोई से कट नहीं करेगा, तो 2 गुना ये 5 गुना ये 2, 2 5 6, 10 2 नहीं के इसका 20 क्या आ गया, लसा आ गया है ना जी। अब इसका मसा निकालने का प्रयास करेंगे, तो पहले 2 से भाग करेंगे किसमें, 10 में, 2 5 6, 10 कट गया, यही जो 2 बचा ये वाला फिर यहाँ उतर जाएगा, और अंक कौन सा बचा अभी, 20 ना जी, तो 20 यहाँ पे। तो भैया 2 दहाके 20 आपका क्या हो गया, ये लास्ट में जो बचता है वो आंसर होता है मसा का, तो आपका मसा क्या हो गया इसमें, क्या हो गया 2। लसा जो आपका आया, देखिए यहाँ पे लसा जो आपका आया वो 20 आ गया, मसा जो आया वो 10 आ गया, 2 आ गया। मतलब लसा और मसा का अनुपात कह रहे लोग ना जी, मतलब कि पहले लसा फिर मसा लिखेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका 20 हो गया, और मसा कितना हो गया, ये आपका 2 हो गया। दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो 2 1 2, 2 2 20 ये कट के आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 10:1 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ क्या, ये कितने अच्छे क्वेश्चन थे, नहीं जी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। ओके चलिए, तो 20 क्वेश्चन हो गए, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओके 21 नंबर क्वेश्चन देखें, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके 20 क्वेश्चन हमने करा दिया, जो बच्चे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बहुत जबरदस्त जबरदस्त इसी चैप्टर से नहीं, हर एक चैप्टर वाइज आपके डेली क्लासेस जाएंगे, और बोर्ड तक आपको एकदम मजबूत तरीके से योद्धा बना दिया जाएगा, और योद्धा बनाने के बाद आप रणभूमि में एग्जाम के कूद जाइएगा, और दिन रात मेहनत करना सीख लीजिए मेरे दोस्त। क्योंकि एक बात लिख लीजिए कि आपकी जगह पर कोई नहीं जा सकता एग्जाम देने के लिए, इसलिए आपको ही जाना है, तो मेहनत आपको ही करना है, आपकी लाइफ आपको ही बनाने हैं, इसलिए मेरे दोस्त हम ये कहेंगे कि आप अपनी लाइफ के लिए आपको ही करना पड़ेगा, तो क्यों हम बाद में करें, हम अभी क्यों ना करें, तो जो भी करे वो अभी करे। क्लियर, जो पहले बीत गया सो बीत गया, अब तो जो बीत गया भैया उसको तो नहीं ला सकते, वो तो सुधार ही नहीं सकते, लेकिन जो आगे बिगड़ने वाला है हम उसको तो सुधार सकते हैं ना, इसलिए दोस्त मेरे लग जाइए, एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, एकदम जोशो जुनून के साथ, क्योंकि ये 10th के बाद 10th में जो आपके पास जुनून होते हैं वो जुनून अब फिर कभी दोबारा कहीं नहीं होता है, फिर बाद में आपके ऊपर जैसे जैसे बड़े होएगा बहुत सारे प्रेशराइज होते जाएगा, बोझ बढ़ते चले जाएगा, इसलिए मेरे दोस्त हम ये कहेंगे कि ज़िंदगी को आसान बना लीजिए। ओके तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।